सामने नज़ारा कितना सुंदर है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द हाईवे ट्रैवलर्स। हम पहुंचने वाले हैं ऊटी। नज़ारा देखिए, बहुत सुंदर है। बस अभी घाट सेक्शन शुरू ही होने वाली है, थोड़ा सा ही रास्ता रह गया है। पहाड़ चढ़ते ही एकदम ठंडी हवा महसूस हो रही है। गाइस, हमें 36 हेयर पिन बेंड्स क्रॉस करनी है। ये जो है अपहिल राइड है, तो आपको एकदम ध्यान से अपनी बाइक चलानी है। गाइस, ये रेड बोर्ड जो देख रहे हो, इस पे आपको नंबर नज़र आएगा। सो ये नंबर आपको दिखाता है कि आपका कौन सा वाला हेयर पिन बेंड आप क्रॉस कर रहे हो। टर्न एंड कर्व्स गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, हम हैं होंडा CB350 बाइक पर। हमारी बाइक, हम पहली बार हेयरपिन बेंड्स पे चला रहे हैं। आर बाइक, आई मीन द होंडा CB350 बाइक इज़ रियली अमेजिंग विथ नो प्रॉब्लम्स। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत सपोर्ट मिल जाएगी। डू नॉट फॉरगेट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रिमूव प्लास्टिक एंड सेव प्लानट। गाइस, अब जब भी पहाड़ों में आओ, ये मेक श्योर करो कि आप प्लास्टिक जो है आप कहीं पे भी मत फेंकिए। प्योरली उसे डस्टबिन में ही डिस्कार्ड कीजिएगा प्लीज़। पहाड़ों की खुशबू ही अलग होती है और एकदम ठंडी वाली फीलिंग आ रही है, तो आप ज़रूर जाइएगा ऊटी, मज़ा आएगा आपको भी। ये बेंड्स इतनी शार्प है कि इवन फोर व्हीलर्स भी स्ट्रगल करते हैं टू टेक अ टर्न। अगर आपके पास पावर बाइक है तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है, वरना आपको धीरे से केयरफुली ही राइड और ड्राइव करनी है। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। तो हम लोग चाय ब्रेक ले रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट हाफ द प्लेस कवर कर चुके हैं, बस अभी थोड़ी सी हेयरपिन बेंड्स, थोड़ी सी मतलब बहुत ही कम हेयरपिन बेंड्स रह गई है, तो उसके बाद हम पहुंच जाएंगे सीधा ऊटी। वेदर एकदम चेंज हो गया है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। एक्चुअली गाइस, मज़ा आ रहा है। टेम्परेचर मुझे लगता है यहाँ पे शायद 12 या 13 डिग्री हो। रात में टेम्परेचर डिप हो जाता है, तो मज़ा आएगा गाइस। सो गाइस, ये जो हेयर पिन बेंड्स हम जो क्रॉस कर रहे हैं, वो है होंडा CB350 बाइक पर विद अ पिलियन एंड विद अ लगेज। सो बाइक इज स्टिल वेरी स्मूथ, एकदम से चढ़ रही है। सो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है अभी तक। अगर आपको बाइक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और हम लोग बता देंगे। अगर कुछ कोई डिफ़िकल्टी हो या कुछ प्रॉब्लम हो, हम लोग डेफिनेटली उसको उसका आंसर करेंगे। बस 2 या 3 हेयर पिन बेंड ही बची है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे ऊटी। सो हमारा जो होटल है वो मार्केट, ऊटी मार्केट से थोड़ा सा दूर है, आई थिंक अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स। जो हम होटल पे रुक रहे हैं, उस होटल से हम कुन्नूर भी जा सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ से एक रोड आता है कुन्नूर के लिए। सो हम ऊटी भी इंजॉय कर सकते हैं और कुन्नूर भी। हमारा प्लान ये है कि हम कुन्नूर और दोड्डबेट्टा पीक, ये दोनों ही देखने जाएं। दोड्डबेट्टा पीक इज़ दी हाईएस्ट माउंटेन ऑफ नीलगिरीज। गाइस देखिए, यहाँ पे रिजॉर्ट्स, होम स्टेज और लॉजेस ऑलमोस्ट शुरू हो गई है। सो यहाँ से ऊटी मार्केट काफ़ी पास है, सो हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। वाव, रोड देखिए, बहुत ही सुंदर है। ये नीलगिरी प्लांटेशन है, और ऐसे रोड पे ट्रैवल करने के लिए आपको घर से निकलना होता है, तो जल्दी से जल्दी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ट्रिप बनाइए, ऊटी आइए और मज़े करिए। वेरी वेरी अरोमेटिक एंड फुल ऑफ ऑक्सीजन, अमेजिंग वेदर, अमेजिंग प्लेस। गाइस देखिए, एकदम मिस्ट सा हो गया है। ओके, हम ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं, सो लेट्स रीच आवर होटल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो गाइस, यही है ऊटी मार्केट वाला जंक्शन। सो हमारा जो होटल है वो है लेफ्ट की तरफ,
तो हमें लेफ़्ट लेके जाना है। दिस इज़ द ऊटी मेन मार्केट एरिया। सो आपको यहाँ पे कुछ शॉपिंग करनी है या आपको विंटर वेयर लेना है, डिपेंड करता है वेदर के ऊपर। अगर आप विंटर वेयर नहीं लेके आते हो तो ऊटी मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाता है ऑलमोस्ट। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं ऊटी, बहुत ही सुंदर जगह है, वेदर अच्छा है और ये है हमारा होटल। गाइस ये जो होटल है ये काफ़ी पुराना है, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर। ओके, थैंक यू, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।